हाय गाइस, मैं आपका दोस्त मनीष आज नई वीडियो लेकर आऊँ। आज की वीडियो क्या है? ये एप्स का वर्कआउट है। कौन सा वर्कआउट है? एप्स का कि लोअर टमी का। लोअर टमी का कैसे? 5, 6, 7, 8 जो 8 पैक होते हैं ना, ऊपर के 4 पैक का नहीं, नीचे के जो 4 पैक है उसके ऊपर वर्कआउट बनाया है मैंने। बनाया क्या करके दिखाऊंगा, जो आपको मैं मूवमेंट दिखाऊंगा, जो पोजिशन दिखाऊंगा, जो रेपिटेशन बताऊंगा, वो आपने लगाने हैं। ओके, तो वर्कआउट शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? जो बार डिप्स होती है ना, इसमें हम बार डिप्स है, शोल्डर का वर्कआउट लगाते हैं, कई चेयर एक्सरसाइज होती है इस पर, इसी पे हम करेंगे स्ट्रेट लेग रेस। ओके, कैसी पोजीशन रहेगी इसमें? मैंने हाथ पकड़ लिए पूरे, पीठ पीछे इसमें टच रहेगी, ठीक है। हमारे पैर हवा में आ गए, हल्के से पैर हमने स्ट्रेट उठाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके जो रेपिटेशन रहेंगे स्टार्टिंग में, जब हम लगाएंगे 15 के 4 सेट, ठीक है, धीरे 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 जैसे हमारा स्टेमिना बढ़ जाएगा, 25 के 4 सेट ऐसे हमने इंक्रीज करने हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है फंडा? ये है बिल्कुल लोअर के लिए, ठीक है। जिससे हमारा पैर एकदम पीछे, बॉडी हमने टच रखी, पूरी जान लगेगी लोअर टमी की लगेगी, पूरे पैर ऊपर है। इसमें क्या होता है, कई बार ना बैक में पेन भी आता है, तो बैक में पेन आता है तो आप पोजीशन देखो, आपकी पोजीशन में कोई कमी होगी, हाथ की पोजीशन है, आगे डायरेक्शन है, पीछे टच नहीं है बैक, उसकी वजह से। इसी पे अब सेकंड क्या करेंगे, हमने लेग स्ट्रेट करके कर ली एक एक्सरसाइज, इसी पे सेकंड क्या करेंगे, हम नी फोल्ड करके करेंगे, दिखाता हूँ वो भी, जो उससे अगर स्ट्रेट लेग ना हो ये भी कर सकता है, वैसे दोनों मारो तो बेस्ट है, ठीक है। मैंने हवा में आगे दोबारा ऊपर पैर पूरे आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैंने इससे पहले वाले स्ट्रेट लेग के 10 मारे, इसके 10 मारे, स्लो मारे, पूरा पेन में कोई दरी आया और कहीं नहीं आया। इसके सेट लगेंगे 4 सेट 25 रेपिटेशन के। अब इसका भी क्या, पहले स्ट्रेट वाली करी वो भी लोअर टमी की थी, ये भी थी, ये लोअर से थोड़ा अपर के लिए, जैसे 8 हमने वो वाली इससे पहले वाली जो करी, जैसे हमारा 8 पैक होता ना, जो 7वां और 8वां पैक है उस पर इफेक्ट करेगा जल्दी, ठीक है। ये उससे ऊपर वाले में अपना 5th and 6th नंबर पे, ठीक है। ये हमारी 2 एक्सरसाइज होगी। अब 3rd पे चलते हैं। अब 3rd एक्सरसाइज क्या करेंगे, हम सिटिंग लेग रेस करेंगे। हाथ मैंने दोनों नीचे जमा ली, नीचे मैं फ्लोर पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। लेग हल्के स्ट्रेट करेंगे, पीछे की तरफ दोबारा लाइन फोल्ड करेंगे, आगे फेंकेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। इसके जो हम रेपिटेशन लगाएंगे स्टार्टिंग में लगाएंगे 15 के 4 सेट, जैसे हमारा स्टेमिना बढ़ जाएगा उसके बाद हमें ऑटोमेटिकली रेपिटेशन इंक्रीज करने 25 के 4 या 50 के 4, ये लोअर टमी के लिए। ये सारा जो वर्कआउट दिखा रहा हूँ, लास्ट हम जिसपे हम ख़त्म करेंगे साइड टू साइड लेग रेस है। बीच में हम कुछ भी वेट रख सकते हो, डंबल रख लो, पानी की बोतल रखो, उसके बाद क्या करना है वही पोजीशन रहेगी। अब मैं थोड़ा टेपर हुआ हूँ हल्का सा, हाथ मेरे वैसे ज़मीन पे हैं। अब मैंने क्या करना है, अब देखना, ट्विस्ट करना हमने लेग्स को ऊपर की तरफ, 1, 2, 3, 4, जल्दी जल्दी करना हमने इसको, ठीक है। इसके जो रेपिटेशन रहेंगे 15 एंड 15, 30, ये एक सेट बनेगा। फ्यूचर में जब हम मारेंगे फिर 25, 25, वो 50 का एक सेट बना। टोटल इसके 4 सेट लगाने हैं, 15, 15, यानी 1 सेट हुआ 30 का, ठीक है, 4 सेट 15, 15 के। इसके बाद हमारा क्या फॉर्मूला रहेगा, उसके बाद है डाइट। अगर हमारी लोअर टमी है, मतलब लोअर टमी यानी लोअर पेट पूरा फ्लैट करना है, उसके लिए जब तक हम तेल की एक बूंद भी नहीं छोड़ेंगे ना, प्रॉपर फ्लैट नहीं होगा, ना एप्स की शेप आएगी, ना कुछ होगा, ठीक है। उसमें हमने सॉल्ट भी कम लेना है, फैट वाला कोई हमने डाइट नहीं लेनी, ना आम खाना है, ना कुछ ना कुछ। मेन है जो भी है टेस्टलेस जो खाना होता है ना, उसी से वेट भी कम होता है, एप्स की शेप भी उसी से आएगी, इसके अलावा किसी चीज़ से नहीं आएगी। इसको मेरी वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर जरूर करना, और कुछ चाहिए कुछ सवाल हो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं जवाब जरूर दूंगा। मैं आपका दोस्त मनी, थैंक यू सो मच।